बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस एस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो अभी चल रही है जी स्विच स्टेटमेंट। तो एक प्रोग्राम हम करते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू इंटीजर वैल्यू एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। मीन कि आपने दो नंबर्स देने हैं और उसके बाद आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करना है, तो उसके अगेंस्ट जो भी आप ऑपरेटर प्रेस करेंगे उसके अगेंस्ट आपको उसका रिजल्ट जो है ना आपको शो हो जाएगा। मीन आप प्लस करेंगे तो दोनों वैल्यू को ऐड कर देगा, माइनस देंगे तो उसको एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में से माइनस कर देगा, और आपने इसमें इस स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आपने करना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, इंट एम कॉमा एन, और उसके बाद एक मैं वेरिएबल लेता हूँ ऑपरेटर टाइप का जिसका नाम लेता हूँ ओ पी ऑपरेटर। सी आउट यहाँ पर आ जाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, सी एन एम आ जाएगा, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके एंटर सेकंड नंबर, फिर यहाँ पे आ जाएगा एन, और उसके बाद आप करते हैं जी सी आउट एंटर ऑपरेटर, और यहाँ पे आ जाएगा सी एन ओ पी। उसके बाद उस ऑपरेटर को आप जो है ना वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर पास कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा केस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एम प्लस एन आ जाएगा, और यहाँ पे आप ब्रेक की स्टेटमेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अगर माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, और इसके बाद अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके बाद अगर डिवाइड करेंगे तो उसके बाद इसको डिवाइड हो जाएगा, और अगर इसके अलावा कोई आप देते हैं ऑपरेटर आ जाता है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे। सी आउट यहाँ पे लिख देंगे आप इन वैलिड ऑपरेटर, मैसेज आ जाएगा आपका यहाँ पे भी इन वैलिड ऑपरेटर है। इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद आ गया यहाँ पे सेकंड नंबर, उसके बाद एंटर ऑपरेटर, मैंने यहाँ पर ऑपरेटर दे दिया प्लस का, तो ये देखें आपको रिज़ल्ट जो है ना 12 जो है ना वो शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसको कोई और वैल्यू देते हैं, 9 है, उसके बाद 5 देते हैं, उसके बाद आप ऑपरेटर देते हैं इसको मल्टीप्लाई का, तो ये इसका रिज़ल्ट जो आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसी प्रोग्राम को आप जो है ना मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बजाय इसके एक ऑपरेटर देने के आप जो है ना उसको मेन्यू की सूरत में भी ये दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप कोई वेरिएबल, इसको भी इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लेते हैं, और इसका मैं नाम देता हूँ चॉइस, और यहाँ पे मैं इसके मेन्यू जो है ना कुछ इस तरह से बना लेता हूँ, सी आउट वन एडिशन, और यहाँ पे एडलाइन इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, टू फॉर सब सब्ट्रैक्शन। इसी तरह आप यहाँ पे अगर दे देते हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरह अगर आप यहाँ पे नंबर 4 दे देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन, और फिर उसके बाद आप सी आउट यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे आप एंड लाइन यूज़ करनी, और सी एन आप कर देते हैं यहाँ पे चॉइस, और इसको आप स्विच में पास करा देंगे चॉइस को,
और यहाँ पे लिखते हैं केस, अगर तो केस में वन है तो क्या आ जाएगा, सी आउट क्या आ जाएगा, एम प्लस एन, और यहाँ पे आपका ब्रेक लगा दें। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको देख देते हैं, अगर टू पे है तो आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अगर उसने थ्री प्रेस किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा, और बट अगर आपका यहाँ पे फोर है तो इसको आप क्या कर, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। बट अगर आपका डिफ़ॉल्ट में है तो यहाँ पे आ जाएगा इनवैलिड ऑपरेटर। इसको रन करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद देते हैं जब आप एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद वन फॉर एडिशन है, टू फॉर सब्ट्रैक्शन है, थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन है, फोर पे आपको डिवीजन आ जाएगा। मैं थ्री देता हूँ, तो ये देखें दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको दोबारा फिर रन करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे मैं एक नंबर देता हूँ, मैंने नंबर दिया यहाँ पे एट दे दिया, अब मैं दूसरा नंबर ज़ीरो देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखें ये प्रॉब्लम करेगा। अब मैं इसको करता हूँ फोर, अब होने दिए डिवीजन चाहिए, यानी कि पहले नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड कर देगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसको मतलब है कि ज़ीरो पे तो डिवाइड नहीं करते, ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए फिर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ पे सॉरी कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ आपकी जो है ना दूसरा नंबर कौन सा है, एन, अगर तो बराबर है किसके, ज़ीरो के है, तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मैसेज आप देखेंगे डिवीजन बाय ज़ीरो, यानी कि ये डिवीजन बाय ज़ीरो हो रही है, अगर ज़ीरो से ज़ीरो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एम को एन पे डिवाइड कर देंगे। दोबारा फिर करते हैं इसको, पहला नंबर मैंने एट दे दिया और दूसरा नंबर मैंने ज़ीरो दे दिया, देखें, और उसके बाद मैं नंबर देता हूँ फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन बाय ज़ीरो। तो इसको हमने हैंडल कर लिया है। अब कोई मैं नंबर देता हूँ, पहला नंबर फोर देता हूँ, एट देता हूँ, दूसरा नंबर मैंने फोर दे दिया, अब मैं इसको फोर प्रेस करूँगा तो ये देखें इसका रिज़ल्ट टू जो है ना वो शो कर देगा। तो व्यूअर्स, हो इस तरह रहा है कि आपने क्या किया, एंटर फर्स्ट नंबर कराया एम में आ जाएगा, एंटर सेकंड नंबर उसमें आ जाएगा, उसके बाद आपने ये मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग या मेन्यू आ जाएगा, उसके बाद आप कोई भी नंबर प्रिंट करेंगे, यानी कि वन प्रिंट करेंगे तो स्विच में वन आ जाएगा, टू प्रिंट एंटर करेंगे तो स्विच में टू आ जाएगा, थ्री करेंगे थ्री आ जाएगा, फोर करेंगे तो फोर आ जाएगा, और जिस केस के साथ वो मैच कर जाएगा वही आपका अरिथमेटिक फंक्शन जो है ना आपका वो परफॉर्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जहन में रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, तो आपको इसका आंसर इंशाल्लाह दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।